Hello students, welcome back. We are towards the end of chapter number 3A, that was demand analysis, children. So we'll just end this topic today. One last concept, children, that we are supposed to discuss, it's related to what's known as variations in demand. Children, there are lots of determinants of demand that we spoke about. सबसे पहला जो determinant आता है, it's known as price. उसके बाद में बच्चों लोग देन वी आल्सो हैव इनकम, फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, राइट? अच्छा, देन वी आल्सो हैव पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट्स, द गवर्नमेंट पॉलिसीज व्हिच इंक्लूड्स टैक्सेस, एंड अलोंग विद दैट वी आल्सो हैव द सब्सिडीज. अच्छा, द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. नाउ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स चिल्ड्रन, दे डिटरमाइन व्हाट विल बी द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट. So all these determinants are basically responsible for any change in the demand that takes place. मतलब अगर demand में कोई change आता है तो समझ जाने का कि determinants में कुछ बदलाव आया रहेगा. So what we are going to do today, children, कि we just try to divide these changes in two different factors. What we do is this: जितने भी determinants हैं, वो सबका हम लोग दो groups बनाते हैं. On one side, children, we will have the price of a commodity. And on the other side, children, we are going to think about all other factors. Now, we can refer to them as non-price determinants. क्या बोलना है? Non-price determinants. That means determinants other than price. So, demand, children, will either change due to price or demand will change due to factors other than price. So, how will you understand this concept, children? If the demand changes due to price, तो उसके दो नाम होते हैं बच्चों लोग. Either we call it as expansion of demand or contraction of demand. अगर demand price की वजह से बढ़ गया तो expansion. अगर demand price की वजह से कम हो गया तो contraction. But children, at the same time, अगर डिमांड बढ़ा है लेकिन कोई और रीजन की वजह से बढ़ा है तो उसको आप नाम दोगे चिल्ड्रन इंक्रीज इन डिमांड. डिमांड कम हो गया है लेकिन रीजन प्राइस नहीं है, कोई और फैक्टर है चिल्ड्रन, देन इट विल बी नोन एज डिक्रीज इन डिमांड. सो व्हाट वी डू इज दिस चिल्ड्रन, अगेन अंडरस्टैंड, वन साइड प्राइस, द अदर साइड वी हैव गॉट ऑल अदर फैक्टर चिल्ड्रन. प्राइस की वजह से बदलेगा तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन, बाकी किसी फैक्टर्स की वजह से बदला तो इंक्रीज और डिक्रीज. दीज आर द नेम्स दैट वी गिव. So one by one, I will explain to you what are these different concepts that we talk about, children. So whenever the price of a commodity, or whenever the demand for a commodity, jabhi bhi bachcho log, kisi commodity ka demand do hi tarike se jayega, either it's going to fall or rise. Kisi bhi commodity ka demand kya hota hai bachcho log, it will fall or rise. मतलब बच्चों डिमांड या तो कम होगा या तो फिर बच्चों डिमांड राइज होगा. लेकिन इसकी वजह क्या होगी बच्चों लोग, ओनली प्राइस. दैट मीन्स चेंज इज टेकिंग प्लेस ओनली ड्यू टू प्राइस. और जब प्राइस बदलेगा तो वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट ऑल अदर फैक्टर्स आर गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट. तो उसको नाम दिया जाता है बच्चों लोग, इट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस इन डिमांड. क्या बोलेंगे? वेरिएशन. सो आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू चिल्ड्रन. व्हेनेवर द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी राइजेस और फॉल्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, एंड व्हेन द प्राइस विल चेंज, ऑल अदर फैक्टर्स आर गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट, देन चिल्ड्रन इट इज रिफर्ड टू एज वेरिएशंस इन डिमांड बोला जाता है इसको. वेरिएशंस इन डिमांड के चिल्ड्रन दो अलग अलग टाइप्स आते हैं. एक होता है एक्सपांशन या फिर एक्सटेंशन, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन. सो let us begin by discussing the first one, children, which is actually referred to as expansion of demand. Demand ka expand hona matlab exactly kya hota hai, children? So expand hona matlab basic meaning to aapko pata hai children, it refers to rise in quantity demanded. Kya bol sakte ho isko aap? Rise in quantity demanded, matlab quantity demanded badh chuka hai. Acha, ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड कब दिखता है बच्चों लोग? व्हेनेवर देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी.
जब भी कमोडिटी का प्राइस क्या होता है, फॉल होता है, तो क्वांटिटी डिमांड वुड राइज होता है. हाँ, बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी वांट टू अज्यूम दैट ऑल अदर फैक्टर्स, क्या बोल रहे हैं लोग, ऑल अदर फैक्टर्स जैसे कि टेस्ट है, इनकम होता है चिल्ड्रन, या फिर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, दे आर ऑल गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट, या फिर ये सब फैक्टर्स को बच्चों हम लोग कॉन्स्टेंट अज्यूम करते हैं, अनचेंज्ड बोलते हैं, सिर्फ प्राइस बदलेगा. ओके, नाउ इफ यू सी अबाउट द डिमांड कर्व, तो देर इज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा बच्चों लोग, सेम डिमांड कर्व पे, ऑन द सेम डिमांड कर्व. नाउ यू हैव अ क्वेश्चन कि सर होता कैसे, तो चिल्ड्रन कैन यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम दैट इज गिवन हियर. यस, इस डायग्राम को समझ के लेते हैं हम लोग. ओके, ड्रॉ किया हुआ डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना चिल्ड्रन. We have got the x axis and the y axis, right? So here this is the x axis, okay, and here children we have got the y axis. On x axis we are representing the quantity that is demanded children, and on the y axis we are going to represent the price for a particular commodity. Then children, if you are talking about this quantity and price going in the same direction, what do we exactly come to know from this? कि अगर हम लोग एक ओरिजिनल प्राइस लेते हैं बच्चों लोग, आपको अज्यूम करना है कि मार्केट में ओरिजिन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, वी जनरली रिफर टू एज ओ, क्या बोला था इसको, ओ ओ विल स्टैंड फॉर ओरिजिन. अभी जहां तक ओरिजिन की बात है बच्चों लोग, यहाँ पे ओरिजिन से एक्स एक्सिस आता है उसको हम लोग ओ एक्स करके बोलते हैं, और ओरिजिन से लेकर वाई एक्सिस आता है उसको हम लोग ओ वाई एक्सिस करके बोलते हैं. अभी आपको अज्यूम करना है कि आपका इनिशियल प्राइस जो है मार्केट का वो कितना है, ओ से लेकर पी तक, व्हाट इज द प्राइस, ओ पी, दैट्स द ओरिजिनल प्राइस चिल्ड्रन. अच्छा, ओरिजिनल प्राइस दैट इज ओ से लेकर पी. अभी सवाल आता है कि लाइक ओरिजिनल प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांडेड होगा, व्हाट इज द क्वांटिटी दैट इज गोइंग टू बी डिमांडेड. सो फॉर दैट चिल्ड्रन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ड्रॉ अ लाइन व्हिच विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्राइस. क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करते हैं जो इंडिकेट करेगा आपका ओरिजिनल प्राइस. तो हियर वी आर चिल्ड्रन, ये मैंने ओ पी पे एक पॉइंट लिया है, इसको एक्सटेंड किया कहां तक, ए तक. अच्छा, अगर उसी एक्सिस से हम लोग नीचे कौन से एक्स एक्सिस से जुड़ना चाहते हैं, इसे एक्स एक्सिस, तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दिखाया है, यू विल स्टार्ट चिल्ड्रन फ्रॉम पॉइंट क्यू और इसको एक्सटेंड करता हुआ चलो मैं पॉइंट ए तक. अभी आपको ये जो रेड लाइन दिख रहा है इसको रीड कैसे करते पता है आपको, वी से दैट एट ओ पी प्राइस ओ क्यू क्वांटिटी इज डिमांडेड. क्या बोलने का, एट ओपी प्राइस, ओपी प्राइस पे ओ क्यू क्वांटिटी डिमांडेड है. अभी हम लोग बाकी सब फैक्टर्स को क्या अज्यूम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट. और बाय चांस चिल्ड्रन ऐसे सिचुएशन में अगर हमने देखा कि प्राइस कम हो गया मार्केट में कमोडिटी का, तो आपको देखेगा ये ओपी वॉज द ओरिजिनल प्राइस एंड द प्राइस हैज नाउ कम डाउन. ओके, प्राइस अभी कम हो चुका है, तो नया प्राइस चिल्ड्रन कितना है, ओ से लेकर पी वन. यू सॉ द प्राइस हैज कम डाउनवर्ड. अभी प्राइस कम होने का सीधा इंपैक्ट जो आपको दिखेगा वो किसके ऊपर होगा, क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर. तो एज यू कैन सी योर चिल्ड्रन, ये आपका प्राइस कम हो गया, पी वन पे आ गया, तो ये आपका नया प्राइस. और इस नए प्राइस पे सवाल ये आता है कि लाइक क्वांटिटी डिमांडेड कितना रहेगा. So, नए प्राइस से चलो क्वांटिटी डिमांडेड अगर आपको चाहिए तो इस पॉइंट को आप रेज करोगे यहां तक. तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है ओ से लेकर क्यू वन, प्राइस कितना है ओ से लेकर पी वन. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, कि इनिशियली जब प्राइस कितना था ओ पी, तो ओ क्यू क्वांटिटी डिमांड हो रहा था, जब ओ पी वन प्राइस हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्यू वन हो गया, मतलब प्राइस हैज फॉलन फ्रॉम पी टू पी वन एंड एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन quantity demanded has increased. Quantity demanded क्या हो गया, increase हो गया, कहां से कहां तक, the quantity demanded children is rising from OQ to OQ1. किधर से किधर जा रहा है, from OQ it is rising to OQ1. तो ये जो gap दिख रहा है आपको,
चलो दिस पर्टिकुलर गैप इंडिकेट्स द राइज इन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो प्राइस जब पी से पी वन होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से लेकर क्यू वन होता है। अभी आप क्या करोगे यहाँ पे, यू आर गोइंग टू कनेक्ट दिस टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स दैट वी हैव चिल्ड्रन, और अब अपना डिमांड कर्व पॉइंट डी पे स्टार्ट होता है और उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते ए डी तक, राइट अच्छा अभी आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे चिल्ड्रन, इनिशियली हम लोग डिमांड कर्व को नाम क्या दिया, देखा मैंने वी कॉल इट एज डिमांड कर्व डी, और यहाँ पे भी क्या लिखा है चिल्ड्रन डी, सो डिमांड कर्व इज नेम्ड एज डी डी। अच्छा इनिशियली चिल्ड्रन वी वर एट पॉइंट ए ऑन द डिमांड कर्व, नाउ वी हैव शिफ्ट और नाउ वी हैव मूव डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स पॉइंट बी ऑन द सेम डिमांड कर्व। सो चिल्ड्रन व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट दिस इज, दिस इज कॉल्ड एज द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्या बोलते हैं इसको डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व के ऊपर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, जाने का डायरेक्शन क्या है चिल्ड्रन, इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या बोलने का डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके नाउ इफ यू फील कि लाइक सर एग्जैक्टली डायग्राम ड्रॉ करने का सिक्वेंस क्या होता है चिल्ड्रन, सो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस डायग्राम इज ड्रॉन कैन यू जस्ट ऑब्जर्व योर चिल्ड्रन, यस आई कैन शो यू हाउ द डायग्राम इज ड्रॉन। तो आप यहां से स्टार्ट करते हो बच्चों लोग, ये कौन सा एक्सिस होता है आपका, दिस इज कॉल्ड एज दी व्हाट वाई एक्सिस चिल्ड्रन, फिर बच्चों लोग आप ड्रॉ करोगे क्या एक्स एक्सिस, अभी एक्स एक्सिस ड्रॉ करने के लिए कैन स्टार्ट इट फ्रॉम योर चिल्ड्रन और ये आपने यहाँ तक रेज किया है, तो ये कौन सा एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस। अच्छा उसके बाद में सपोज वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सिंपल डिमांड कर्व चिल्ड्रन दैट विल हैव, क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग डिमांड कर्व, आप पहले से डिमांड कर्व ड्रॉ करके ले सकते, देयर इज नो इशू विद दैट। सो इफ आई स्टार्ट द डिमांड कर्व हियर, अगर मैं डिमांड कर्व यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ चिल्ड्रन, अगर डिमांड कर्व यहाँ से स्टार्ट करके उसको हम लोग डाउनवर्ड स्लोप करके दिखाते हैं, क्या करके दिखाना है डाउनवर्ड स्लोप, आई स्टार्टेड फ्रॉम योर चिल्ड्रन और ये आ गया डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ओके आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स दैट वी हैव चिल्ड्रन, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। इनिशियली अगर आप ओरिजिनल प्राइस लोगे कितना, तो आप एक ओरिजिनल प्राइस कोई भी ले सकते हो जिसको हम लोग ओ पी करके रिफर करते हैं यहाँ पे, सपोज लाइक चिल्ड्रन हियर इफ द प्राइस इज ओ पी, प्राइस कितना है ओ पी, तो ओ पी प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, उसके लिए आप फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की इधर तक, तो बच्चों लोग ये होता है ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड। अच्छा इसको आप नाम से भी मेंशन करा के दे सकते हो, तो सपोज चिल्ड्रन वी टर्म दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज पॉइंट पी, क्या नाम दे रहे इसको पी, और इसको ओरिजिनल डिमांड को क्या बोलने का है क्यू। अच्छा और ये जो पॉइंट आता है चलो इट कैन बी नेम्ड एज पॉइंट ए, डिमांड कर्व का नाम तो आप सबको पता है इट्स कॉल्ड एज चिल्ड्रन डी, डी इज द डिमांड कर्व। फिर क्या होगा, नाउ वी अज्यूम दैट द प्राइस हैज फॉलन इन द मार्केट, अभी प्राइस कम हो गया तो नया प्राइस जो आता है चिल्ड्रन, लेट्स अज्यूम द न्यू प्राइस इन द मार्केट हैज फॉलन डाउन हियर, अभी इस लाइन को आप डिमांड कर्व तक लेके जाओगे ये आ गया इधर तक, राइट अच्छा उसके बाद में ये जो नया प्राइस है चिल्ड्रन उस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, तो फॉर दैट यू विल हैव टू कनेक्ट दिस विद द एक्स एक्सिस, आपको इसको एक्स एक्सिस से कनेक्ट करना पड़ेगा चिल्ड्रन, तो आपने और एक लाइन ड्रॉ किया इधर। अच्छा अभी जो नया प्राइस और नया क्वांटिटी डिमांडेड है उसका भी आप नाम मेंशन कर सकते हो, यस चिल्ड्रन हियर आई एम राइटिंग द न्यू प्राइस दैट इज पी वन एंड द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड एज क्यू वन, जो नया पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पे इट कैन बी नेम्ड एज पॉइंट बी, सो व्हेन द प्राइस हैज फॉलन फ्रॉम पी टू पी वन क्वांटिटी डिमांडेड हैज इंक्रीज फ्रॉम क्यू टू क्यू वन, एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन द सेम डिमांड कर्व, डिमांड कर्व रेडी हो गया चिल्ड्रन, यस सो दिस इज समथिंग दैट इज टर्म्ड एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। इन द अबाउट डायग्राम वी सॉ दैट द डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट इंडिकेट्स द एक्सपांशन ऑफ डिमांड, राइट। If you move ahead, children, इसका exactly उल्टा concept जो आता है, उसको हम लोग नाम देते हैं
contraction of demand. Contraction, the name itself suggests that there is going to be some kind of decrease that is taking place, but we will not term it as decrease, we are going to call it as contraction. अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता क्या है? वहां पे जो आपने लिखा था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट. उधर हमने क्या बोला था? इफ देयर इज अ राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. इधर क्या होगा चिल्ड्रन? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? देयर इज गोइंग टू बी अ फॉल इन डिमांड. किसकी वजह से? ड्यू टू राइज इन प्राइस. एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, टेस्ट, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज्ड. ये सब कुछ अनचेंज रहेगा. अच्छा, अभी आपका डिमांड कर्व का जो मूवमेंट आएगा चिल्ड्रन, इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. मतलब सेम डिमांड कर्व, डिमांड कर्व चेंज नहीं होता है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ये वाला डिमांड कर्व यूज करते हैं. तो मैं डायरेक्टली आपको जैसा डायग्राम है वैसा बना के दिखा रहा हूँ. यहाँ पे यू शुड नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग द डायग्राम लेटर, राइट? सो वी स्टार्ट विथ द वाई एक्सिस चिल्ड्रन. आप इसको यहाँ पे, ये आ गया अपना वाई एक्सिस. अच्छा, देन वी विल ऑल्सो प्रिपेयर द एक्स एक्सिस. अभी अगर आप इसको यहाँ पे स्ट्रेच करते हो ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस हो गया. अच्छा, देन चिल्ड्रन यू कैन नेम आउट बोथ द एक्सिस. जहाँ पे आप इसको एक्स एक्सिस करके बोलते हो, दिस विल बी टर्म चिल्ड्रन एज द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे हमेशा की तरह वॉट आर वी गोइंग टू इंडिकेट? प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. और एक्स एक्सिस पे चिल्ड्रन इट्स नथिंग बट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. नाउ इफ यू आर रिफरिंग टू दिस प्राइस एंड क्वांटिटी, देन वी ड्रॉ द ओरिजिनल डिमांड कर्व. चिल्ड्रन क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? ओरिजिनल डिमांड कर्व. तो यहाँ पे आप स्टार्ट करके अगर ये डिमांड कर्व को नीचे एक्सटेंड करते हो, सो वी गेट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, व्हिच इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फिर आपको एक ओरिजिनल प्राइस लेना है. We'll take some original price. Original price के लिए, if I just extend this line here, तो ये original price है आपका. और उस original price पे सवाल आता है कि like what is the quantity demanded? तो you can join it with x-axis. Yes, so ये x-axis join करके हमने extend कर लिया. So original price and original quantity demanded. What is the original price, children? Here, I'll consider it as point P. Will be original price, and this is called as Q, which means original quantity demanded. Now we are going to assume, children, that there is a rise in the price of the commodity in the market. So when the price will rise, what will be the new price, children? The new price is going to be, suppose, P2. अच्छा, तो नया वाला जो quantity demanded आएगा, children, we will be calling that as Q2. Price जो है P2, उसको correspond करके देखते हैं अभी. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, सो ये प्राइस P2 को एक्सटेंड किया इधर. व्हाट डू वी ऑब्जर्व चिल्ड्रन? दैट देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन, दिस विल शो इमीडिएट इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड. सो क्वांटिटी डिमांडेड के लिए आप यहाँ पे एक लाइन एक्सटेंड करोगे, एंड चिल्ड्रन दैट लाइन विल शो यू द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हमने ऑलरेडी नाम दिया है Q2. सो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व हियर? The simplest thing, that whenever there is a rise in the price of a particular commodity, ye price rise hua hai, then there will be a fall in the demand for that particular commodity. So higher the price, lower the quantity demanded. That's the general observation that you find from this diagram. Achha. Initially, children, we were at point B. Ye dekho, ye intersection point ko aap naam dete ho B. Now we have moved on to point A. And what kind of movement this is? You can call this as upward movement or backward movement along the same demand curve. Children, we are not changing the demand curve. The demand curve is remaining same. We are moving along the same demand curve. So what is the final, children, conclusion? That if there is a downward movement along the same demand curve, it will be called as expansion of demand. It is a backward or upward movement along the same demand curve, then it will be termed as contraction of demand. वहाँ पे बच्चों लोग price के कम होने की वजह से demand बढ़ा था, यहाँ पे price के कम होने बढ़ने की वजह से demand कम हो गया. So in expansion and contraction. Now both these variations take place due to change in price, other factors remaining constant, right? Now the question arises, children, कि whenever
there is any kind of expansion or contraction that is taking place. कोई भी बच्चे अगर expansion or contraction हो रहा है तो there is another variation to this children which is referred to as changes in demand. There we have termed it as variations in demand. यहाँ पे आपको इसको नाम देना है changes in demand. अभी बच्चों डिमांड या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा लेकिन रीजन प्राइस नहीं होगा. द रीजंस आर गोइंग टू बी अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस. सो हियर वी गो चिल्ड्रन, व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन डिमांड. व्हेन एवर द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इधर इंक्रीजेस और इट मे डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. व्हेन अदर फैक्टर्स चेंज वी विल अज्यूम दैट प्राइस इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट, देन वी रिफर टू इट एज चेंजेस इन डिमांड. इसके दो वेरिएशन होते हैं बच्चों, वन इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड एंड द अदर वन विल बी कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड. सो पहले स्टार्ट करते हैं इंक्रीज इन डिमांड के साथ. अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू सम काइंड ऑफ फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स लाइक टेस्ट, लोगों का इनकम, ओके, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस. अच्छा, बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट द प्राइस इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट. अच्छा, अभी यहाँ पे चलो आपका पूरा का पूरा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करेगा. अभी कोई मूवमेंट नहीं होता चिल्ड्रन, इट विल बी अ काइंड ऑफ शिफ्ट इन द एंटायर डिमांड कर्व. सो द एंटायर डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व. सो पहले आपका जो डिमांड कर्व था, ये नया वाला डिमांड कर्व उसके एग्जैक्टली राइट में जाएगा. दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम दैट वी हैव चिल्ड्रन हियर फॉर इंक्रीजिंग डिमांड. चारों को आप एक कंपैरेटिव चार्ट बना के भी पढ़ सकते हो चिल्ड्रन. आई कैन शो यू हाउ टू प्रिपेयर द कंपैरेटिव चार्ट. एक्चुअली इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम कैन यू जस्ट ऑब्जर्व इट हियर. यस, बट आई विल जस्ट कंस्ट्रक्ट अ डायग्राम एंड शो टू यू ऑल चिल्ड्रन. अगेन वी बिगिन विद, ये आ गया आपका बच्चे लोग वाई एक्सिस. अच्छा, अलोंग विद दैट वी इंटरसेक्ट इट विद द एक्स एक्सिस. ये हो गया आपका एक्स एक्सिस. अच्छा, नाउ यू हैव टू मेंशन इट आउट देयर चिल्ड्रन. एवरी टाइम यू प्रिपेयर अ डायग्राम यू नीड टू मेंशन इट दैट दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे व्हाट आर वी गोइंग टू रिप्रेजेंट चिल्ड्रन, द प्राइस फॉर दैट कमोडिटी. और एक्स एक्सिस पे वी विल मेंशन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. अच्छा, फिर आप एक ओरिजिनल डिमांड को ड्रॉ करोगे. We're going to draw one original demand curve. So children, this should be the original demand curve that we have, downward sloping. Isko aap naam bhi de sakte ho, it will be called as demand curve DD. So you can just mention it out here, demand curve DD. Achha, abhi aapko kya karna, koi bhi ek particular price assume karo. Jaise ki yahan pe main price assume kar raha hu children, that price is OP. And at OP price, if I just go to extend it out there, then OP price pay children, we can actually draw a straight line here which will now this straight demand curve that we are drawing out, the x axis pe bichho log yahan pe y axis pe aap price indicate karoge. So I'm just extending this particular line here. Yeah, aapka price. Or is price pe children, we take the quantity demanded. Abhi quantity demanded ke liye aap x axis pe usko join karoge. Ye bachcho aapne x axis pe join kiya. Okay, so ye original price kitna hai O se lekar P. Acha, aapne mention nahi kiya bachcho yahan pe. तो ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे O. सो OP इज द प्राइस एंड ओ क्यू इज द क्वांटिटी डिमांडेड. अच्छा, अभी क्या बताया गया हम लोग के यहाँ पे, दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज. प्राइस चेंज नहीं होगा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा. तो इनका मतलब ये भी है कि क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू है, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड फ्यूचर में हो सकता है कि कहां पे जाए, ओ से लेकर क्यू वन. अच्छा, इट मीन्स एट द सेम प्राइस मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हियर चिल्ड्रन, जो सपोज यहां से एक्सटेंड होके इधर तक आता है. मतलब क्या हो गया चिल्ड्रन, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व,
we observe that there is an increase in the quantity demanded. Quantity demanded increase हो रहा है. Okay, ये quantity demanded इधर से इधर आ गया. अच्छा, but there is no rise in the price. So we are going to keep the price constant, children. So we will keep the price as constant. अभी price constant रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You have to extend this particular line here. तो आपने price को constant रखा. अभी initially children we were at point A. Initially हम लोग किस पे थे children? Point A के ऊपर थे, right? A point A. अभी हम लोग point B के ऊपर आ गए. Point A किसके ऊपर है? Demand curve DD. Point B किसके ऊपर है? किसी के ऊपर भी नहीं. इसका मतलब children will have to construct a separate demand curve here. ये तो ये आपने separate demand curve construct किया. इस demand curve को आप नाम क्या दोगे? Demand curve D1 से लेकर demand curve D1. तो did you just notice children कि price उतना ही है, लेकिन कोई favorable changes हो गए ना, जैसे कि taste develop हुआ रहेगा, consumer का income बढ़ा रहेगा, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ नया पॉलिसीज लाया रहेगा, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया एंड कंज्यूमर इज सिंपली मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए विच इज एक्चुअली ऑन डिमांड कर्व डीडी, वहां से लेके सीधा वो कहां पे शिफ्टिंग कर रहा है? पॉइंट बी ऑन डिमांड कर्व डी वन. और इसीलिए एक्चुअली इसको हम लोग नाम क्या देते, दिस कॉल्ड एज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. क्या नाम दोगे? राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. That's children what's known as increase in demand. So explanation में क्या दिया है देख लो जरा. In the shown figure, DD is the original demand curve. Demand curve shifts outward to the right from DD to D1, D1, which indicates increase in demand, right? और इसका last और variation आता है children, what is referred to as decrease in demand. अभी decrease in demand का मतलब क्या होता है? Decrease मतलब तो पता है, generally speaking we are talking some kind of fall in the demand. So, whenever there is a decrease in demand, जब भी demand actually decrease होगा, या फिर the demand, quantity demanded decreases due to some kind of unfavorable changes that will be taking place in factors like taste, income, या फिर along with that climatic conditions. But we are going to assume that price is going to remain constant. अभी actually यहाँ पे पूरा का पूरा demand को shift करेगा, कहाँ पे? Left की तरफ. From the original demand curve, and this can be explained with the help of figure 3.1 that's given here, children. Okay, now how do we go along this diagram? So again, children, we begin with the x and the y axis. X or y axis ke saath start karna hai aapko. Okay, so this is the y axis, and along with that. Draw this x-axis. फिर आप mention करने के लिए जाओगे this x-axis, this y-axis. Y-axis पे क्या आता है children? We show the price. And x-axis पे आता है quantity that is being demanded. अच्छा, then children will draw the first original demand curve that's there. ये आपने extend किया है. इसको आप नाम दोगे children as DD. ये DD is the demand curve. अच्छा, फिर इस पे आप एक कोई भी पर्टिकुलर प्राइस अज्यूम करोगे. तो अज्यूम करो कि प्राइस है इतना, और इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड अगर आपको दिखाना है तो यहां से आप लाइन एक्सटेंड करोगे. ओके, सो वी से दैट एट प्राइस ओपी, प्राइस कितना है? ओपी इज द प्राइस. ओपी प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? तो ओक्यू. अभी प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस सेम रहेगा, फिर भी आपका क्वांटिटी डिमांडेड चिल्ड्रन कितने पे आएगा? Q2 पे आएगा. मतलब क्वांटिटी डिमांडेड चिल्ड्रन इट्स गोइंग टू डिक्रीज लाइक दिस, इधर आएगा. अच्छा, हाउ विल इट एग्जैक्टली हैपन? ये एग्जैक्टली होता कैसे है? सो फॉर दैट रीजन वी विल जस्ट ट्राई टू टेक द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड विद द ओरिजिनल प्राइस. तो नया क्वांटिटी डिमांडेड कितना है चिल्ड्रन? इट्स Q2 ना. तो आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे. क्या ड्रॉ करना है? स्ट्रेट लाइन. अच्छा, और इसको एक्सटेंड करोगे इधर तक. प्राइस सेम रहेगा तो यू कैन नॉट गो अबव दैट और बिलो दैट, विल बी रिमेनिंग देयर इटसेल्फ. अच्छा, अभी पहले आप पॉइंट ए पर थे, अभी आप पॉइंट बी पर आ गए.
पॉइंट ए कौन से डिमांड कर्व के ऊपर है? डी डी। पॉइंट बी किसके ऊपर? किसी के ऊपर भी नहीं है। ये काम करते हैं हम लोग, एक नया डिमांड कर्व भी बना लेते हैं। तो ये बनाया मैंने नया डिमांड कर्व, इसको आप नाम क्या दोगे चिल्ड्रन? इट विल बी नेम्ड एज डी टू डी टू। ये आ गया डी टू और ये होता है चलो डी टू। अच्छा तो आपने नोटिस किया आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व जो था वो था डी डी, नया वाला डिमांड कर्व कौन सा है? डी टू डी टू। तो आपने चिल्ड्रन मूवमेंट या फिर शिफ्टिंग किया है लेफ्ट की तरफ, ये पूरा डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ आ गया। That is why it is called as a leftward shift of the demand curve. So, as you show in the above diagram, original demand curve, that is DD, will shift towards the left to D2, D2, which indicates there is a decrease in demand. Right? Achha. So, children, this is something related to variation in demand, or it's also termed as change in demand. Variations mein kya aayega? Either it's expansion or contraction. और change में क्या आता है? Increase in demand या फिर decrease in demand करके आएगा। So children, this is all related to your chapter number 3A, जहाँ पे we started with the meaning of demand, individual demand schedules, then we also saw about the market demand schedule. फिर हमने चलो law of demand के बारे में बात की थी, determinants of demands discuss किए थे, assumption of the law of demand, exceptions की बात की हमने, और फिर आज मैंने आपको सिखाया है variation in demand and along with that we also saw the changes in demand. So, ye banta hai aapka chapter number 3A. Very important chapter which will almost come for nothing less than 15 marks in your exam. So, you better study it properly. My next wala chapter jo hum log discuss karenge, next lecture mein main pehle aapko is chapter ka exercise solve kara ke dunga and then we'll go for chapter number 3B which is based on elasticity of demand, jo aur ek bahut important chapter rahega. Okay? That's all for today. Thank you very much. Bye everyone. Take care. See you in the next lecture.